खूबसूरत नेचर के मालिक हैं, स्टार हैं ये, बहुत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर क्रिकेट में इस वक्त एक ब्रांड है तो वो बाबर आजम है। लेकिन जब आपने ब्रांड की बात आ गई है तो मेरे एक फौरी तौर पे चीज है ना, कोई ब्रांड का अच्छा सा जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान का एक ही ब्रांड है और वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम ठीक है, आप देखें कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स में, जो क्वालिफाई करते हैं, वगरना पाकिस्तान तो वाइल्ड कार्ड पर जाता है। अच्छा। या पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई कर जाता था, हॉकी में पाकिस्तान के मेडल हैं। ये जो अरशद नदीम है ना, उनकी उनके पास एक ही जैवलिन है, जैवलिन थ्रो है ना, जैवलिन एक ही जैवलिन है। कितनी है? एक ही। अब इसके साथ जो मवाजना है ना वो है नीरज चोपड़ा के साथ। वो मुकाबला किसके साथ करते हैं जब वो फाइनल राउंड उसके चल रहे होते हैं ना, तो नीरज चोपड़ा इंडियन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और भी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने आते हैं तो मंजर बदल जाता है। मुकाबला ठीक है, बिल्कुल हकीकत है। अरशद नदीम के पास एक जैवलिन है और जो नीरज चोपड़ा है उनके पास 177 जैवलिन है, 177। ओए होए होए, जब आपने वहां पे मुकाबले पे जाना है ना, तो दोनों ने एक जैसे ही खेलना है, दोनों के लिए कंपटीशन एक जैसा ही है। वहां पर वही जीतेगा जो थ्रो दूर फेंकेगा। ठीक है, ग्राउंड में जब आप पहुंच गए हैं तो आप दोनों एक ही जैसे हैं, मुकाबला आपका आमने सामने है। सहूलियात का फर्क देख लें, 177 है, और उनकी ट्रेनिंग पर उनकी हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि अरशद नदीम साहब के पास सिर्फ एक जैवलिन है। ये जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ अगर सुन रही हैं, और उनके जो इस वक्त नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं पंजाब के फैसल खोखर साहब अगर वो सुन रहे हैं, या कोई भी और मुल्क के, इस मुल्क के को जो लोग हैं, जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, अगर वो सुन रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि ये भी पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप अरशद नदीम की खिदमत करते हैं, खिदमत क्या करनी है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। खिदमत तो बड़ी और मानों में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसके खेल की बुनियादी ज़रूरियात का ही ख्याल रखेंगे ना, तो ये आपका इस मुल्क पर एहसान होगा। अगर आपके पास कुछ वक्त निकले वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा के पास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास, तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि 7-8 लाख रुपए की एक जैवलिन है, और उसके लिए फेडरेशन जो है, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी रकम है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, 7-8 लाख रुपये नहीं है, एक जैवलिन नहीं लेनी है, तो मतलब ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हाफिज़ साहब, 7-8 लाख रुपये की? जी, 7-8 लाख रुपये की, बहुत पैसे हैं। और नीरज के पास 177, शायद 7-8 लाख रुपये है, और उसके लिए भी ना, तो वो एक कंपनी से बात चल रही है, बहुत बड़ी डील होनी है, तो पाकिस्तान में शायद, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। फेडरेशन भी हमेशा जब भी उनको सुने वो यही कहते रहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, हमने बड़ी खिदमत कर दी है। तो भाईजान, एक जैवलिन तो है नहीं उसके बेचारे के पास, और वो ना उसका कोई हाल होगा, मतलब इसके इस किस्म की सूरत हाल जो है, अगर आपके सामने हो, क्या आपने बात करनी है और क्या आपने कहना है कि हमने खिदमत की है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, मतलब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, अगर ये सारे लोग मिलके एक जैवलिन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? और अगर हुकूमत को ये नहीं पता है, मतलब हमारी हालत ये है कि हमारा एक मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में, क्या है जी, मेडल की, गोल्ड मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में, और हम उसने मुकाबला किसके साथ करना है? 177 जो है जिनके पास जैवलिन, जिनके पास एक बंदे के पास, और पाकिस्तान का अकलौता ही खिलाड़ी है उसके पास एक भी नहीं है। उसने कहा कहीं कि मेरे पास जो है ना वो एक है, वो भी ख़राब हो चुकी है उसका, मतलब कितनी की देर है ना। सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हर खेल उतनी ही अहमियत रखता है जितनी क्रिकेट रखता है, और आप सब क्रिकेट भी इसलिए बचत है और वो एक सेफ हैंड्स में है क्योंकि वो ICC की फंडिंग पर चलती है। क्रिकेट का तो कोई लेना देना नहीं, अगर क्रिकेट जो है वो सिर्फ PCB के पास होती तो शायद क्रिकेट का भी यही हाल होता। और 8-7 बरसों में की बात है ये, कितने 7-8 बरसों में वो उसी के साथ ही, तो उनकी हिम्मत है कि वो इसके साथ अभी भी कंसिस्टेंसी से। ये नेचुरल टैलेंट है, ये किसी की कोई उसमें नहीं है, ये हमें लोग कहें जी मैंने कर दिया, ठीक है लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं जिनका काम ही ये है, वो कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं जी हमारी वजह से हो गया?
मतलब आपने ये भी नहीं करना कि तो फिर आपने क्या करना है। बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये सारी की सारी वो चीज़ें जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अरशद ने खुद कही हुई हैं किसी एक इंटरव्यू में। बहुत ही अफसोस जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब, आप मियाँ साहब मिले थे उनसे खिलाड़ियों से जब ये मेरा ख्याल वज़ीर आज़म थे, उन्होंने महकमा जाति खेलों की बहाली का ऐलान भी किया था, अरशद ने वहाँ पर भी इसकी बात की थी, नू दस्तगीर बट भी थे वहाँ पर, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हुकूमत बदली है, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, खूबसूरत नेचर के मालिक हैं, स्टार हैं ये, बहुत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर क्रिकेट में इस वक्त एक ब्रांड है तो वो बाबर आजम है, लेकिन जब आपने ब्रांड की बात आ गई है तो मेरे एक फौरी तौर पे चीज़ है ना, कोई ब्रांड का अच्छा सा जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान का एक ही ब्रांड है और वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम, ठीक है, आप देखें कि वो पाकिस्तान में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स में, जो क्वालिफाई करते हैं, वगरना पाकिस्तान तो वाइल्ड कार्ड पर जाता है। अच्छा। या पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई कर जाता था, हॉकी में पाकिस्तान के मेडल हैं। ये जो अरशद नदीम है ना, उनकी उनके पास एक ही जैवलिन है, ये जैवलिन थ्रो है ना, जैवलिन एक ही जैवलिन है, कितनी है, एक ही। अब इसके साथ जो मुवाजना है ना वो है नीरज चोपड़ा के साथ। अच्छा। वो मुकाबला किसके साथ करते हैं जब वो फाइनल राउंड उसके चल रहे होते हैं ना, तो नीरज चोपड़ा इंडियन है, बिल्कुल ऐसे ही है, और भी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब ये नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने आते हैं तो मंजर बदल जाता मुकाबला है, ठीक है। अरशद नदीम के पास एक जैवलिन है और जो नीरज चोपड़ा है उनके पास 177 जैवलिन है, 177। जब आपने वहां पे मुकाबले पे जाना है ना, कुछ दोनों ने एक जैसे ही खेलना है, दोनों के लिए कंपटीशन एक जैसा ही है, वहां पर वही जीतेगा जो थ्रो दूर फेंकेगा, ठीक है। ग्राउंड में जब आप पहुंच गए हैं तो आप दोनों एक ही जैसे हैं, मुकाबला आपका आमने सामने है, बिल्कुल ऐसे ही। सहूलियात का फर्क देख लें, 177 हैं और उनकी ट्रेनिंग पर उनकी हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि अरशद नदीम साहब के पास सिर्फ एक जैवलिन है। ये जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर सुन रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ अगर सुन रही हैं, और उनके जो इस वक्त नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं पंजाब के फैसल खोखर साहब अगर वो सुन रहे हैं, या कोई भी और मुल्क के, इस मुल्क के को जो लोग हैं, जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, अगर वो सुन रहा है तो आपसे गुजारिश है कि ये भी पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप अरशद नदीम की खिदमत करते हैं, खिदमत क्या करनी है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, खिदमत तो बड़ी और मानों में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसके खेल की बुनियादी ज़रूरियात का ही ख्याल रखेंगे ना, तो ये आपका इस मुल्क पर एहसान होगा। अगर आपके पास कुछ वक्त निकले वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा के पास और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब के पास, तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि 7-8 लाख रुपये की एक जैवलिन है और उसके लिए फेडरेशन जो है, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी रकम है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, 7-8 लाख रुपये नहीं है, एक जैवलिन नहीं लेनी है, तो मतलब ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हाफिज़ साहब, 7-8 लाख रुपये की? जी, 7-8 लाख रुपये की, बहुत पैसे हैं, और नीरज के पास 177, शायद 7-8 लाख रुपये हैं, और उसके लिए भी ना कि वो एक कंपनी से बात चल रही है, बहुत बड़ी डील होनी है, तो पाकिस्तान में शायद, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए भी एक लम्हा फिक्री है, फेडरेशन भी हमेशा जब भी उनको सुने वो यही कहते रहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया, हमने बड़ी खिदमत कर दी है, तो भाईजान एक जैवलिन तो है नहीं उसके बेचारे के पास, और वो ना उसका कोई हाल होगा, मतलब इसके इस किस्म की सूरत हाल जो है अगर आपके सामने हो, क्या आपने बात करनी है और क्या आपने कहना है कि हमने खिदमत की है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो, मतलब पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, अगर ये सारे लोग मिलके एक जैवलिन का बंदोबस्त नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? और अगर हुकूमत को ये नहीं पता है, मतलब हमारी हालत ये है कि हमारा एक मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में, क्या है जी, मेडल की, गोल्ड मेडल की उम्मीद है ओलंपिक्स में, और हम उसके उसने मुकाबला किसके साथ करना है, 177 जो है जिनके पास जैवलिन, जिनके पास एक बंदे के पास, और पाकिस्तान का अकलौता ही खिलाड़ी है, उसके पास एक भी नहीं है, उसने कहा कहीं कि मेरे पास जो है ना वो एक है, वो भी ख़राब हो चुकी है उसका, मतलब कितनी की देर है ना। सो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हर खेल उतनी ही अहमियत रखता है जितनी क्रिकेट रखता है,
और आपके साथ क्रिकेट भी इसलिए बचत है और वो एक सेफ हैंड में है क्योंकि वो आईसीसी की फंडिंग पर चलती है। क्रिकेट का तो कोई लेना देना नहीं, अगर क्रिकेट जो है वो सिर्फ पीसीबी के पास होती तो शायद क्रिकेट का भी यही हाल होता। और 8-7 वर्षों में की बात है ये, कितने 7-8 वर्षों में वो उसी के साथ ही है। तो उनकी हिम्मत है कि वो इसके साथ अभी भी कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं। ये नेचुरल टैलेंट है, ये किसी की कोई उसमें नहीं है। ये हमें लोग कहें जी मैंने कर दिया मैंने कर दिया मैंने कर दिया, ठीक है लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं जिनका काम ये है वो कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं जी हमारी वजह से हो गया। मतलब आपने ये भी नहीं करना कि तो फिर आपने क्या करना। बिल्कुल सही, तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो अरशद ने खुद कही हुई हैं किसी एक इंटरव्यू में। बहुत ही अफसोस जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज़ शरीफ साहब, आप मियाँ साहब मिले थे उनसे खिलाड़ियों से जब ये मेरा ख्याल वज़ीर आज़म थे, उन्होंने महकमा जाती खेलों की बहाली का ऐलान भी किया था, अरशद ने वहाँ पर भी इसकी बात की थी, नू दस्तगीर बट भी थे वहाँ पर, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हुकूमत बदली है, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है।